डे टू का प्रोग्राम था सर। डे थ्री में हमारा मॉर्निंग 11:30 से जो टू डेज का वर्कशॉप हुआ था उसका फीडबैक, उसके सजेशंस, रिपोर्टिंग, एक पूरा सेशन जो है वो डेढ़ घंटे का डॉक्टर जावेद अकबाल नकी साहब ने, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज करगिल जी। ये एक इनिशिएटिव इस साल हम ले रहे हैं सर। एक स्टडी सर्कल हमने फॉर्म किया सुरुवेली में, तक कर रहा है कि मार्च अप्रैल में जब ये अकाउंट असिस्टेंट या पंचायत का या कोई भी अकाउंट असिस्टेंट के इंटरव्यूज हो या एग्जामिनेशन हो हमारे डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट में, तो उनके लिए हमने 3 मंथ का कोर्स रखा है ताकि उनको उन एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करे, प्रिपेयर करे और एक कम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शुरू हो जाए, जिसके वजह से हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। अपने लिए या दूसरों के लिए भी इंफॉर्मेटिव लगा हुआ सबसे वो ये वैल्यू और ये मॉरल और एथिक और ये ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आजकल हम क्या है, क्योंकि आजकल हमें ये थोड़ा लेट कर जा रहे हैं इसमें, चाहे वो हम हो चाहे वो बच्चे हो, क्योंकि हम स्कूल में या घर में जो भी है ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा और हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा। जितने भी यहाँ इस वर्कशॉप के टॉपिक्स थे, जो हमारा थीम था इस वर्कशॉप का वो था सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, और इसके अंदर जो जो टॉपिक्स थे वो सब हमारे जो टीचिंग प्रोफेशन, बल्कि टीचिंग प्रोफेशन ही नहीं बल्कि हमारी जो जिंदगी है, यूजुअल जिंदगी है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सुरवेली पब्लिक स्कूल और शबली सर को कि उन्होंने इतने अच्छे टॉपिक पे हमें सेशन दिए, क्योंकि आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स, खासकर की जो स्कूल्स हैं उनमें सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम पिछले साल हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए गए थे तो वहाँ पर भी हमें यही सिखाया गया कि सॉफ्ट स्किल्स कितने ज़रूरी है बच्चों के लिए। आप लोगों ने जो वर्कशॉप रखा था माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इस वक्त ये हमारी नीड है। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा अल्लामा इकबाल का, जो इस वक्त आपके लिए फिट बैठते हैं हमारे टीचर्स, क्योंकि हालांकि ये वैलिडिक्ट्री है लेकिन डोंट थिंक दिस इज फेयरवेल फॉर यू, ओके, कि ये आपके लिए हमेशा के लिए वैलिडिक्ट्री नहीं है। यू आर गोइंग आउटसाइड द स्टेट टू लर्न समथिंग, ताकि कुछ और करें यहाँ पे। मैं आपको एक शेर यही सुनाना चाहूंगा, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार हो जाती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यही आपका टाइम है, बिकॉज अभी आप बाहर जा रहे हो, यहाँ भी आप लोगों ने वर्कशॉप्स किया, तो उम्मीद है आप जो भी सीख के आएंगे हमारे बच्चों को शाहीन बनाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ फीडबैक का फॉर्मल जो फीडबैक का माहौल है उसमें अक्सर एक अपीजमेंट की टेंडेंसी रहती है, तो मैं इससे थोड़ा हटते हुए कुछ ऐसे मिसिंग लिंक्स की तरफ इशारा करता हूँ जो शायद आपके फीडबैक का एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था सॉफ्ट स्किल्स का। सबसे पहले तो इसकी मैं खुशामदीद नहीं बल्कि शुक्रिया कहता हूँ। शुक्रिया कहना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कल इसी पे ट्रेनिंग दे मतलब कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे थे, लइन शकर तुम लजीदन, शुक्रिया करेंगे और भी ज़्यादा आ जाएगा, तो ये एक नेचुरल रूल है। तो चूँकि वक्त नहीं है हमें हमारे गेस्ट के पास भी और हमारे आजकल नेचर के पास भी वक्त नहीं है हमारे कारगिल जैसे इलाकों में दिन में, तो इसमें एक चीज़ था सबसे ज़रूरी जो हमारे पूरे सोसाइटी में जो मिसिंग है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। उस पर एक अलग सा प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी था और आगे इंशाल्लाह इस पर प्रोग्राम ज़रूर होंगे। पूरे इंडिया में जो इनोवेशंस या क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड है, और ये 60,000 पार्टिसिपेंट्स में से जो 20 सिलेक्ट हुए हैं उनको ये अवार्ड दिया है, टॉप 20, और अराउंड 544 डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन है इसमें। तो हमारे करगिल से सयेदा बानो हाई स्कूल पोयन की स्टूडेंट है, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन
डेवलप किया है और मुझे लगता है कि इस इनोवेशन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे करगिल में है, क्योंकि हम जब भी किसी मजलिस में बैठते हैं या एक शेख साहब बयान कर रहे थे कि मस्जिद में जब हम सजदे में जाते हैं तो खुदा की याद कम आती है और पैरों की बदबू की सुगंध ज़्यादा आती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनोवेशन है सईदा बानो। और कल मैं जब हमारे चेयरमैन फेरोज अहमद खान साहब के पास में था तो उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आपका आज हो रहा है, तो हमारे लिए भी ये जिम्मेदारी बनता है कि हम उसको रिकॉग्नाइज़ करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे माशरे में रिकॉग्निशन का बहुत ज़्यादा फ़ुकदान है, हम अपने लोगों को बहुत कम रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव और हमारा भी ध्यान इस तरफ फेरोज अहमद खान साहब ने दिलाया है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर चेयरमैन LHDC करगिल, उनकी तरफ से एक अप्रिसिएशन लेटर है फॉर सईदा बानो और साथ में टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। तो मैं सईदा बानो से लेटर और अप्रिसिएशन टोकन गिफ्ट लेने से पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को इन ऑडियंस के सामने, इन टीचर्स के सामने शेयर करें, ताकि हमारे टीचर्स बहुत सारे और सईदा बानो इस डिस्ट्रिक्ट में पैदा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलन तो मैं खुदावंद आलम का शुक्र करती हूँ कि जिसने हमें तालीम और तरबियत हासिल करने की शरफ अता की। चीफ गेस्ट जो है हमारे यहाँ पे और आप सब आसाम को और आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। तो मैं इस फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स सभी लोगों के शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें मुझे इस काबिल समझा और इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। तो मैं जो है छिस्कोर की छोटी सी गाँव अर्चू छिस्कोर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी माँ बाप से ज़्यादा तालीम तरबियत हासिल नहीं की, क्योंकि हमारे पहले ज़माने में गांव में उनके लिए ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं नेशनल लेवल पे अवार्ड लेके आऊँ, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 8वीं जमात जब पास किया तो मैं पोयन हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल पोयन में आई और यहाँ के असदाजाग्राम भी बहुत ही अच्छे थे, तो इन्होंने ही मेरी मतलब सपनों का पर लगा दी और मुझे सीखने को मिला कि हमें कभी भी अपना हौसला हारना नहीं चाहिए और हमें जो है अपना कल्चर की जो मतलब इज्जत करते हुए दूसरे वर्ल्ड से भी जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो है हमें मतलब हमें जो कमजोरियां है वो पता चलता है, तो दूसरा मतलब वर्ल्ड में क्या हो रहा है इनके साथ ही मतलब रहना चाहिए, हमारी जो कल्चर है उससे मतलब जुड़े रहने के साथ साथ हमें ये भी होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे तो उसके बारे में भी उन्होंने रोशनी डाली और खुसूसन इसमें जो टॉपिक्स का निकाल ये मतलब सिलेक्शन की गई थी वो बहुत ही ज़रूरत के हिसाब से इन टॉपिक्स का सिलेक्शन किया गया था और बदकिस्मती की बात है कि ऑप्शनल कमिटमेंट की वजह से मुझे भी चूंकि यहाँ बुलाया गया था 10 तारीख को, लेकिन ऑफिशियल कमिटमेंट ने मुझे रोक लिया। जब ये इस प्रोग्राम में मैंने कुछ जो सिलेबस जो था इसमें टॉपिक्स उसके कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप जो शुरू वाली स्कूल में जो टीचिंग कम्युनिटी है उनके लिए ऑर्गेनाइज की, इसके लिए मैं सेक्रेटरी साहब और उनकी पूरी मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, या कोई और डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, सॉफ्ट स्किल की
बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत जरूरी ज़रूरतमंद है, इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट में देखें तो जो हमारा 1860 का पुलिस एक्ट था उसके तहत पुलिस चलती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू पुलिस एक्ट आया और न्यू रिफॉर्म्स आए, तो हम भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं राइट फ्रॉम एसपीओ टू सीनियर ऑफिसर्स, जो पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट में तैनात होते हैं अभी, उनको हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। उसके बाद खटीमा बानो साउथ पब्लिक स्कूल बरू खटीमा बानो एवरग्रीन पब्लिक स्कूल शुरू स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप जो दो दिन पे यहाँ पे हमारे टीचर्स के लिए रखा है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किए, यहाँ पे अभी सीओ साहब ने भी कहा और हमारे एसएसपी साहब ने कहा कि बहुत ही सोच समझ के, यानी इस जो टॉपिक्स इन्होंने सिलेक्शन किया है उसको सिलेक्ट करने से पहले हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है और एक इफेक्टिव एक जो है आपका जो दो दिन का वर्कशॉप रखा है, जैसे आप लोगों ने अपने फीडबैक में भी यहाँ पे कहा कि कितना सोच समझ के रखा और इसका कितना फ़ायदा आप लोगों को हुआ है और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली बच्चों को होगा, तो उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और साथ ही मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे यंग इनोवेटर सईदा बानो जो हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल पोयन के हैं, उनको अपने तरफ से और पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बहुत ही मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनके स्टाफ को, उनके पेरेंट्स को भी, कि इन्होंने सिर्फ अपने स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम इन्होंने रोशन किया है, हमें इन पे बहुत ही फख्र है। जब से इनका जो अवार्ड लेके आए, मैंने काफ़ी पहले सोशल मीडिया में न्यूज़ में सुना तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि हमें भी इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मतलब रिकॉग्नाइजेशन इमीडिएटली, बाकी लार्ज स्केल पे हम बाद में क्या करेंगे वो अलग बात है। तो मैं सोच ही रहा था कि इनको ऑफिस में बुला के इनको रिकॉग्निशन दें या क्या करें, तो इन्हीं दिनों में ये प्रोग्राम निकल के आया आपका हमारे नासिर शाहबानी साहब का, तो मैंने इमीडिएटली मुझे स्टक किया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हम इसी प्रोग्राम में इनको बुला के इनको इमीडिएटली रिकॉग्निशन दे देंगे। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा जो आपके जो इनोवेशंस आपने किए हैं आपको देख के हमारे बाकी बच्चे भी इस फील्ड में आएंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन आपने जो अपने मैंडेट में देख रहा था, आपने लिखा है कि आई वांट टू बी बिकम ए डॉक्टर, चलिए हमारी दुआ है कि आप डॉक्टर बने, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जिस फील्ड में हैं आप साइंटिस्ट की तरफ जाएँ ताकि एक नया चीज़ उभर के आए, इंशाल्लाह जो फील्ड आपने चुना है। बाकी अभी सीओ साहब ने भी कहा कि हम इनको रिकॉग्निशन दे देंगे, बाकी मैंने अपनी तरफ से मैंने डीसी साहब से भी बात किया है, इंशाल्लाह जो रिपब्लिक डे होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट जो सबसे बड़ा फंक्शन होता है उसमें हम इनको बहुत बड़े पैमाने पर ऑनर करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारा वर्कशॉप तीन दिन का वर्कशॉप चला था, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप फॉर स्कूल टीचर्स, तो इसमें तकरीबन 40 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किए, डिफरेंट स्कूल्स है, ख़ास करके प्राइवेट स्कूल्स है, और इसमें से जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट है जो है तकरीबन 36 पार्टिसिपेंट इंशाल्लाह 16 17 18 तारीख को ये हैदराबाद के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, टू मंथ्स ट्रेनिंग होगा उनका वहाँ पर,
तो आज के वैलिडिक्ट्री फंक्शन रखने का मकसद ये था, एक तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद एक सर्टिफिकेट प्रेजेंटेशन था, और साथ में क्योंकि ये दो तीन दिन से ही इस तरह के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो इन पार्टिसिपेंट के ऑनर्स में हमें एक लंच भी उनके लिए अरेंज करना था, और साथ ही साथ हमारे जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उनके चेयरमैन फेरोज अहमद ख़ान साहब, उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें रोल है इस तरह के वर्कशॉप्स को कंडक्ट कराने में, और हमारे एक यंग इनोवेटर है सयेदा बानो, जिन्होंने अमंग 60,000 स्टूडेंट्स में से टॉप 20 पोजीशंस उन्होंने सिक्योर किया है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने अवार्ड लिया है APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड 2019, तो उनको भी फैसिलिटेट करना था, और साथ ही साथ हमारे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है आज हमारे यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर थे, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स थे, और जितने भी हमारे रिसोर्स पर्सनस थे उनको भी अप्रिशिएट करना था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क करके अपना वैल्यूएबल टाइम देके इस वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाया। साथ ही इस वर्कशॉप के क्यूरेटर थे हमारे डॉक्टर जावेद इकबाल नकी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज करगिल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और थीम्स के ऊपर हमारे रिसोर्स पर्सन ने प्रेजेंटेशन दिया, डेलिब्रेशन किया, और हमें उम्मीद है कि इस वर्कशॉप से हमारे टीचर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उसी के साथ साथ वो स्टूडेंट्स में भी इस तरह के सॉफ्ट स्किल्स जो उन्होंने सीखे हैं उसको डिसमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो सुरु वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का ये एक इनिशिएटिव रहा है, लेकिन सारे स्कूल्स को अपने साथ लेके चल रहे हैं, और बहुत सारे आने वाले टाइम में प्रोग्राम है सुरु वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का, तो आप लोगों को इंशाल्लाह हम अपडेट करते रहेंगे, और ख़ास करके आप मीडिया पर्सन जो है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं आप आके हमें कवरेज देते हैं, जिससे लोगों को ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में अवेयर होता है, और आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.